हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति शास्त्र के टॉप 500 क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आपने इन 500 क्वेश्चंस पूरी तरह से कवर कर लिया, इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 500 क्वेश्चंस, रिपीटेडली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है इफ यू आर इन बीए। अगर आप बीए में है तो बहुत जरूर विजिट करना अगर आपने अभी तक जाकर के चैनल को नहीं देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉप 500 क्वेश्चंस तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आता है, आज की हमारी ये पहली वीडियो, इसी तरह से हम इस पर सीरीज पूरा लेकर के आएंगे, 500 क्वेश्चंस जो है ना पूरा कवर करने वाले। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें आपका है कि राजनीति का पर्यायवाची आंगल शब्द है। राजनीति जो है इसका पर्यायवाची आंगल शब्द क्या है? आपके ऑप्शंस है पॉलिस, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन चारों में से जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? तो आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, पॉलिटिक्स आपका राइट आंसर है। ये एंगल वर्ड है राजनीति का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन कि पॉलिस का अर्थ क्या होता है? पॉलिस का अर्थ क्या हो सकता है? आपके ऑप्शन है प्रदेश, बी है राष्ट्र, सी है नगर तथा राज्य एंड डी है आपका देश। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा? पॉलिस का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, करेक्ट अर्थ क्या हो सकता है? इसका जो राइट आंसर है आपका ना वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नगर और राज्य आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है? किसने इस तरह का विचार दिया कि राजनीति विज्ञान जो है उसकी शुरुआत और उसका अंत राज्य से ही होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गार्नर, बी डिमाक, सी सीले एंड डी लिकाक। इन चारों में से क्या आपका राइट आंसर होगा? तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है, जो आपका करेक्ट आंसर है, आई होप आपने गेस कर लिया होगा, आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर वन, गार्नर इज द राइट आंसर। गार्नर ने कहा कि राज्य की शुरुआत और अंत, जो राजनीति विज्ञान के शुरुआत और अंत किससे हो रहा है? राज्य से हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कि राजनीति विज्ञान का संबंध है, राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका उद्योग से, बी है वाणिज्य से, सी है धर्म से एंड डी है राज्य तथा सरकार से। इन चारों में से क्या होगा आपका राइट आंसर? तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, तो राजनीति विज्ञान का संबंध है आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य और सरकार से। आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। राजनीति विज्ञान जो है वो गवर्नमेंट से संबंधित विद्या है, ऐसा किसने कहा? आपके ऑप्शन है गिलक्राइस्ट, बी है आपका वर्क, सी है लिकाक एंड डी है आपका अरस्तू। इन चारों में से क्या आपका राइट आंसर होगा? किसने कहा कि राजनीति विज्ञान जो है वो गवर्नमेंट से संबंधित विद्या है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लिकाक आपका राइट आंसर होगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा सिक्स नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है सिक्स नंबर का क्वेश्चन कि राजनीति दुष्ट पुरुष का अंतिम आश्रय स्थल है, यानी कि जहां पर दुष्ट पुरुष अंतिम आश्रय लेता है उसकी स्थल है ये। किस भाषा की कहावत है? आपके ऑप्शन है एंगल, बी लैटिन, सी यूनानी एंड डी हिंदी। इन चारों में से क्या आपका राइट आंसर होगा? कौन सी भाषा की कहावत है? तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है, जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, एंगल भाषा की ये कहावत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सेवंथ नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम किस विचारक ने राजनीति को विज्ञान माना? सबसे पहले किस विचारक ने राजनीति एक शास्त्र की तरह माना जाता था, एक जो है आम जो है तरह माना जाता था, लेकिन उसको एक साइंस के रूप में, विज्ञान के रूप में किसने माना? आपके ऑप्शन है प्लेटो, बी अरस्तू, सी रूसो एंड डी लॉक। इन चारों में से क्या आपका राइट आंसर होगा? तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है सेवंथ नंबर क्वेश्चन के लिए, जिन्होंने राजनीति को विज्ञान सबसे पहली बार कहकर के पुकारा, आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, अरस्तू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एट्थ नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है किस विचारक के अनुसार राज्य ही उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है? किसके अनुसार राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो जीवन के लिए हुई है? आपके ऑप्शंस हैं कैटलिन, गैटल, विलोवी और अरस्तू। इन चारों में से क्या आपका राइट आंसर होगा एट नंबर क्वेश्चन के लिए? तो एट नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका भी राइट आंसर क्या आपका? अरस्तू। अरस्तू कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए ही हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन कि किस शासक ने कहा कि मैं ही राज्य हूं? किसने कहा था मैं राज्य हूं? आपके ऑप्शन है लुई तेरहवा, लुई सोलहवा, लुई चौदहवा, लुई सत्रहवा। किसने कहा था कि मैं राज्य हूं? इन चारों में से जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लुई सत्रहवां ने कहा था कि मैं ही क्या हूं, राज्य हूं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा टेंथ नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने माना है?
जो राजनीति है इसको पावर का साइंस किसने माना है, शक्ति का विज्ञान किसने माना है। आपके ऑप्शन है कैटलिन, बी रसेल, सी बेबर एंड डी है आपका मार्क्स। इन चारों में से क्या आपका राइट आंसर होगा 10th नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 10th नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है, जो आपका करेक्ट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है, कैटलिन इज द राइट आंसर फॉर 10th नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 11th नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? किस विचारक ने कहा कि राज्य अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में तो सामाजिक संस्था ही था? किसने कहा कि राज्य जब विकसित हो रहा था तो अपने प्रारंभिक टाइम पर, प्रारंभिक चरण में वो एक क्या था? सामाजिक संस्था ही था। आपके ऑप्शन है कैटलिन, बी मैकाइवर एवं पेज, सी रिटजन, हॉफर एंड डी प्रोफेसर गिडिंग्स। तो इन चारों में जो आपका 11th नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैकाइवर और पेज ने इस तरह का विचार रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है? किस विचारक ने समाज शास्त्र को विस्तृत किंतु राजनीति शास्त्र को विशिष्ट शास्त्र कहा है? आपके ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, वी गार्नर, सी विलोवी एंड डी है प्रोफेसर गिडिंग्स। इन चारों में से जो आपका राइट आंसर है, जो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अवास्तविक सारहीन ढांचा मात्र है? ये किसका विचार है? आपके ऑप्शन है मार्क्स, गार्नर, आइवर ब्राउन एंड चार्ल्स बियर्ड। इन चारों में से 13 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है, जो आपका करेक्ट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। चार्ल्स बियर्ड ने कहा कि अर्थशास्त्र के बिना जो राजनीति विज्ञान है वो अवास्तविक और सारहीन ढांचा मात्र है। कथन किसका है? चार्ल्स बियर्ड का। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन, कि किसने कहा कि किसी युग में संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही करती हैं? किसने कहा कि किसी युग में जो संपूर्ण जीवन है उसके स्वरूप का निश्चय कौन करता है? आर्थिक परिस्थितियां करती है। आपके ऑप्शन है मार्क्स, बिस्मार्क, चेंबरलेन एंड चार्ल्स बियर्ड। इन चारों में से जो आपका राइट आंसर है 14 नंबर क्वेश्चन का, उसका राइट आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर 1, मार्क्स आपका राइट आंसर है। मार्क्स बहुत ज्यादा भौतिकवाद और आर्थिकवाद थे, तो ए नंबर आपका करेक्ट है। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसने इस बात पर बल दिया है कि राजनीति का अध्ययन तथ्यों के आधार पर होना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं इसके लिए ओक्सॉट, लार्ड ब्राइस, थॉमस मूर और लियो स्ट्रास। इन चारों में से क्या आपका राइट आंसर है? इन चारों में जो आपका राइट आंसर है 15 नंबर क्वेश्चन का, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लार्ड ब्राइस इज योर राइट आंसर फॉर 15 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसके मतानुसार, किसके अनुसार राजनीति जो है वो प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लासबेल, बी है लुसियन पाई, सी है डेविड ईस्टर एंड डी है मैकाइवर एवं पेज। इन चारों में से क्या आपका राइट आंसर है? तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है 16 नंबर क्वेश्चन के लिए, आपका राइट आंसर है इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 1, लॉसबेल इज योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, कि राज्य का सबसे बड़ा उद्देश्य नागरिकों को सदाचारी और चरित्रवान बनाना है, यह किसका कथन है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। आपके ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, सुकरात और रूसो। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, इन चारों में से क्या आपका राइट आंसर होगा? तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये कथन है प्लेटो का। प्लेटो कहते हैं कि राज्य का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वो अपने नागरिकों को सदाचारी और चरित्रवान बनाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन, कि किसके कथन अनुसार धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है और धर्म से अलग राजनीति जो है वो मृत्यु जाल है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, कौटिल्य, मनु और रूसो। क्या होगा राइट आंसर आपका इसके लिए? इसके लिए जो आपका राइट आंसर है, जो आपका करेक्ट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म से अलग कोई राजनीति नहीं है, धर्म से अलग राजनीति केवल एक मृत्यु जाल है। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? आपके ऑप्शन है प्लेटो, गार्नर, अरस्तु और ग्रीन। इन चारों में से क्या आपका राइट आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो आपका राइट आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु आपका राइट आंसर होगा। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है किसको? अरस्तु को। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन, कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है, ऐसा किसने कहा था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका मार्क्स, बी है हीगल, सी है आपका हॉब्स एंड डी है आपका ग्रीन। तो इन चारों में से 20 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है, जो आपका करेक्ट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हॉब्स आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन, कि अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग किस पुस्तक के शीर्षक में किया है? कौन सी उन्होंने बुक लिखी थी जिसके शीर्षक के रूप में उन्होंने राजनीति शब्द का यूज किया है? आपके ऑप्शन है रिपब्लिक, पॉलिटिक्स,
पॉलिस और स्टेटमेंट, इन चारों में से जो आपका राइट आंसर है 21 नंबर क्वेश्चन के लिए वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक। पॉलिटिक्स मींस क्या होता है? राजनीति। इस शब्द को अपने शीर्षक के रूप में उन्होंने पॉलिटिक्स बुक में लिखा है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन कि किसने राजनीति विज्ञान को मानवीय सभ्यता को सुरक्षित करने वाला विज्ञान माना है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है लास्की, बी है फाइनर, सी है जॉर्ज बर्नार्ड्स एंड डी है ब्लेंडसली। इन चारों में से क्या आपका राइट आंसर है 22 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है राइट, आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज बर्नार्ड्स, ये आपका राइट आंसर है 22 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है 23 नंबर का क्वेश्चन कि राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के समर्थक विचारक हैं। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के समर्थक विद्वान कौन है? आपके ऑप्शंस हैं जेम्स ब्राइस और मॉन्टेस्क्यू, या लास्की और मैकियावेली, या कांटे और मैकाइवर, या गिलक्राइस्ट और सीले। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स ब्राइस और मॉन्टेस्क्यू आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन कि स्पिरिट ऑफ लॉज के रचयिता कौन है? स्पिरिट ऑफ लॉज के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, बी गार्नर, सी ब्राइस एंड डी है आपका फाइनर। इन चारों में से क्या आपका राइट आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू आपका राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन कि किसने कहा कि राज्य के अंतर्गत किया गया प्रत्येक परिवर्तन एक प्रयोग ही है? राज्य के अंतर्गत जो भी परिवर्तन किया गया है वो क्या है? एक प्रयोग है। आपके ऑप्शन है कांट, बी मैकाइवर, सी गार्नर एंड डी है कांटे। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है, जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है क्या? कांटे। तो ये था दोस्तों हमारा आज के क्वेश्चंस। आज हमने 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किया है, तो हम 25 करके आपको वीडियोस देने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल, आप चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे आप एक भी वीडियो मिस मत करें। और टॉप 500 क्वेश्चंस लेकर के आए जो रिपीटेडली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरूर मिलिएगा और शेयर इट टू योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम। अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना यार, आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड। कि आपकी वजह से अगर किसी की हेल्प हो रही है, किसी की लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू अगर आपकी वजह से आ रही है, इट्स द वर्थ ऑफ लाइफ। ये लाइफ का वर्थ है कि आपकी वजह से किसी की हेल्प हो रही है। तो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।